मेरी हिम्मत, मेरा मान सम्मान, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। लगभग दो दिन पहले मैं सुनील से मिली थी और मैंने प्रोग्राम तो रखा था सिर्फ इनके परिवार का कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई, मैं मिल लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला था कि मेरा पूरे ही परिवार को, कुनबे को इकट्ठा कर लेगा। तो आज सब पूरे कुनबे को इकट्ठा आपने किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और धीरे धीरे सारी चीज आ जाऊंगी, मेरा मौसम बड़ा गुजर। खैर, मुझे खुशी है आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ बातें आप सब से करना चाह रही थी, सारी बातें मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी बताई, हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब जो समय है वो बहुत संवेदनशील समय है। मुझे मालूम है कि हर व्यक्ति 2400 घंटे कई बार टाइम नहीं देता, परिवार भी, समाज भी, लेकिन अब समय पार्टी को देने का आ गया। और बहुत भारी बहुमत के साथ आप सबने विजयी किया था मुझे। और जब एक नंबर बूथ से हमारी काउंटिंग शुरू हुई थी तो उसमें पहले से ही हम जब जीत में निकलने शुरू हुए थे तो उसी समय काउंटिंग में मैं भी थी तो वह दन्नू भी था जो पीछे रहा, उन दोनों ने तभी हाथ जोड़ लिए थे कि ना ये तो गया चुनाव। ये ताकत आपने देनी शुरू की थी, उन्हें पता था कि राजगढ़ के बाद तो निश्चित जीत है, लेकिन यहाँ वाली जो जीत थी वो उनको भरोसा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। पर मेरा भरोसा अभी भी वैसा ही कायम है। कई बार मैं पिलानी साइड होती हूँ तो कई बार मुझे कहते हैं सब कुछ सिद्धमुख को दे दिया, कई बार कहती हूँ उनकी अवहेलना भी बहुत हुई है, उनकी अनदेखी भी बहुत हुई है, काफी लंबे समय से उन्होंने इंतजार भी किया है और बांट के सबको दिया है, अकेला यहां नहीं है कि सिद्धमुख को दिया है। उप तहसील मैंने हमीरवास को भी बनाया, चांदकोठी के अंदर कृषि महाविद्यालय भी आया है। और लगभग अगर मैं देखती हूं तो मुझे ये लगता है कि हर गांव में कहीं ना कहीं लाभ मिला है, अछूता कोई गांव नहीं रहा है। सिद्धमुख की बात की जाए, खास करके आप लोग तो मेरी बात हमेशा सुनते हो, लेकिन वह एक पार्टी है ना, नाम दो बजे जगह है राजगढ़ तहसील में, बीजेपी बसपा वह पार्टी एक ही है। पार्टी एक कैसे बताऊं क्या, उस पार्टी को मैं सुनाना चाहती हूं। जब नगर पालिका के चुनाव आए तो दोनों न्यारे न्यारे चुनाव लड़े लोगों के बीच में, लोगों को दिखाने के लिए टिकटें अपने हिसाब से बांटी मिलजुल के। और नगर पालिका में जब आप रजिया जी ने खड़ी करी कि चेयरमैन बनाऊंगा तो दोनों ने इनके खिलाफ वोट एक साथ डाले, तो है ना दोनों एक साथ। फिर पंचायती राज इलेक्शन आया, आप तक भी वो चुनाव पहुंचा होगा, उस समय भी 60-60 से चुनाव एक साथ लड़े। और जब हमने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया तो उसमें भी उन दोनों पार्टियों ने, उन दोनों नेताओं ने एक साथ वोट डाले, तो वो दोनों एक ही है। तो उन दोनों को मैं सुनाना चाहती हूँ, विधायक रहे हैं वो भी, अब यूं कह देते ना ये तो यूं ही बन गया होगा, बनना ही था, या नहर कदाई ही कद बढ़िया नाला खड़ा 94 में, और 94 से अब तक कितने साल हो गए, 30 साल हो गए। तो इस 30 साल के अंदर एक भी ईंट लगाई क्या राम सिंह कसवा ने, लगाई क्या, पाड़गी ले गयो ना, हाँ पाड़गी ले गयो, एक भी ईंट नहीं लगाई ना। मुझे पता है संघर्ष है, हमें हमारे पशुओं तक को पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, अब हर बार आता है कि नहीं आता है। और ये 30 करोड़ रुपए जो नाले खाले माइनर को दुरुस्त, और खास करके मैं बताती हूं कैसे हुआ, जिस दिन से मैं इस क्षेत्र में आई हूं आप सबके सपनों, बात में, अंदाज में, चलने में, फिरने में, मैंने सिर्फ नहर को ही देखा है।
उस नहर को जब मैंने जिया, बजट आने लगा तो बोले इसके लिए तो स्वीकृतियां रखी है, इसमें तो और जरूरत है ही नहीं नाले खाले बनने। मैंने अधिकारियों को फोन पे लिया, अधिकारियों के साथ पे बैठ के एक्सीएन एएन जेएन सबको फोन पे लिया। मैंने कहा ये बताओ जब इसमें हमारे जब किलाबंदी मोरबाबंदी का जमाबंदी का काम पूर्ण हो जाएगा और जब किसानों को पानी दिया जाएगा तो इसका जो स्लेब है वो रिवर्स है कि नहीं है? बोले है जी। तो है जी जब पानी कैसे पिलाओगे लोगों को, क्यों नहीं करने दे रहे हो आप लोग? हाथों हाथ बैठ के ये 30 करोड़ का बजट आपके लिए लेकर आई, जिसमें से मेरे को ये पता था क्योंकि अभी तक पैसा जैसे पानी बर्तन लाए रहमाकन भी जाते रहे। मैंने कहा नाम के साथ आने चाहिए कि ये वाले माइनर बनेंगे, और सारे के सारे माइनर हमने उसमें लिए और वो आपके अधूरे नाले खाले हैं वो भी बनेंगे, और जो ये नए तरीके से नहर बनेगी ताकि आपकी जो हमेशा से शिकायत रही थी कि पानी वापस चले जाए, गेलम टेल पर ऊंचाई है, वो ऊंचाई नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी, अब वो ठीक हो जाएगा। साथ ही मैं कहूं आपको तहसील 40 साल हो गए थे आप लोगों को, पहले क्यों नहीं बनी? और ये कहते हैं ना जनसंख्या के हिसाब से दुद्ध ग्राम पंचायत ही आज जिलो बन गयो है कि नहीं है? वो कौन सा जनसंख्या पूरी करे, नेताओं को सुन लो, दुद्ध ग्राम पंचायत ही था और उसके बाद एकदम से सीधा जिला बना है। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और ये जज्बा आप लोगों ने मुझे दिया था, तब जाके ये नहर आई है, पंचायत समिति भी आई है और तहसील भी आई है, ऐसे ही नहीं आई। एक दिन बैजुआ से एक महिला का फोन आया, कार्यकर्ता है सविता शोरान, अपनी जज्बाती है, उत्साही है, वो कान में बैठी उड़े गड़े कमला कसमा भी बैठी, वह देखे वाट या उठे जब मैं कृष्णा दौर बात करूं, उसके जाते ही फोन मिलाया कि मैडम जी यो कॉलेज गुण गए, मैं कहा आपा लाया, मैं हमने चुनाव में कौन गया करते भाई महिलाओं के लिए कॉलेज लेके आऊंगी, कह तो करता पर वह कमला तो कही कि मेरे बेटो राहुल लाए हुए तो मेरे बेटो राहुल लाए बात झूठ बोल रहा है। बजट में घोषणा मुख्यमंत्री कर रहा है, राजस्थान सरकार उसके पैसे दे रही है, कॉलेज का भवन बन के लगभग तैयार है, उस कमला खसवा को कहूंगी कि अपने बेटों को बोल देना घूम के आ जाएगा, ये राजस्थान सरकार ने बनाया और कृष्णा पुनिया ने कह के बनवाया, सांसद तो है ही वो, अब इस सड़क से कभी भादरा जाता है तो वो सिद्धमुख में ही देख ले, वो दाई साइड मुड़ के जो देख ले ना, तो कॉलेज भी बन तो दिख जाओ बैनर, हॉस्पिटल भी बन तो दिख जाओ, फिर भी थर अगर कोई बात आई होगी फिर भी थाना कहना आऊंगा क्या बनियो बना हुआ कैसा हो गया बनिए नूर जन्म लिया पहले क्यों नहीं बनाया। एक और बता देती हूँ, कॉलेज के आए हुए पैसे मैंने सरकार को वापस भिजाए थे और वो बनिया क्या कहता है कि मेरी दादी को और मेरी माँ को नाम हो जाओ, ब्याज समेत वापस भी लेगा, उम्र भर वर्षों वर्षों तक उसकी दादी और माँ का नाम चलेगा। मैं धन्यवाद तो देती हूँ क्योंकि भामाशाहों की भी जरूरत होती है, कोई भी सरकारी संस्थाएं सरकार को आगे चलाने के लिए भामाशाहों की जरूरत होती है, लेकिन उनके परिवार का नाम भी हमेशा चलेगा। लेकिन दिया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया है और आप सबके आशीर्वाद से दिया है, ये छोटी बातें नहीं है। बादरा जाया करता डाबर पटन में, जाते थे कि नहीं जाते थे? आज था ना दूसरे जिले में जाने की जरूरत कौन था आपके आगे कॉलेज। और अभी सुना मैंने है तो कसुत्ता आई है, वैसे सच कह रही हूँ। अब ये पता है ये सिद्धमुख जो रोड है ना, सिद्धमुख बादरा वाली के यहाँ टेंडर हो गए हैं, आज दोनों जना धरना पर बैठे दोनों बैठे, और थोड़े दिन में कह देंगे राहुल ले आयो राहुल ले आयो, ये भी कह देंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ और वो मुझे सुन भी रहे होंगे, आज जनता 60-80 सारी समझ गई है और जनता को पता है इसके टेंडर हो गए, घनी वाह वाई झूठी वाह वाई लेने की रहने दो थे,
ये मैं कहना चाहती हूँ, ये इसके टेंडर हो चुके हैं और इसका इसका जो कार्य है बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। अर्कीसा रोड बनेगा जब मैं दही बरगो रोड बनाऊंगा, मैं हरियाणा हूँ, कहीं दही बरगो रोड है, पेटी को पाड़ी बुनिया वैसा का वैसा बनेगा। और सिर्फ यहां तक नहीं है, इस विधायक तो पहले भी हो, मेरे पहलड़ो भी हो, 1 किलोमीटर भी सड़क बनाई हो तो बताओ, मेरे टाइम के अंदर 200 किलोमीटर सड़कें बनके तैयार हो चुकी हैं और लगभग 100 किलोमीटर सड़कें, ग्रामीण सड़कें कह रही हूं, लिंक रोड कह रही हूं, मिसिंग लिंक जो है वो है। और ये तो झुंझुनू से लेके भादरा तक का है, जिसमें से झुंझुनू और राजगढ़ का काम शुरू हो चुका है कि लगभग 100 किलोमीटर की सड़कें और बनेंगी। ये छोटी बातें नहीं है। कई बार मेरे हूँ आप सभी जाते थे कि दौड़िया हूँ मैंने टुंडा खेड़ी दे दे तो सीधा मैं कावड़ा जुड़ जाऊँ जुड़ जाऊँ, ये टुंडा खेड़ी वाला बैठे वो भी पास होगी आपकी, चूंकि गढ़ वाला भी कया करता कि माने सीधो इन्ना जोड़ दे तो हमारी पंचायत हूँ लोगा हो जावा मैं, तो वो दौड़िया हूँ धनऊ तो रामसर टिब्बा भी जोड़ दिया है। और इनके रामसर टिब्बा वाला तो कदे काम बेचारा गया भी, साची बताऊ मन का एक नौकरी है, कहते थे हमारे कोई है नहीं, कहते तबादला हमें करवाना नहीं, नौकरी की उम्र है ही को नहीं, एक ही आदमी है शायद नौकरी, एक है दो है पूरे गांव में, है ना। तो बोलियो के माना कुछ मांगन मुनिया ऐसा जी मन कहा चुप किया गड गुक के करा के करा, तो उप स्वास्थ्य केंद्र तो देवान एक उप स्वास्थ्य केंद्र सोच के आपका मत ही मंगा के काम देश कहाँ पा, तो वो काम इनको दिया। तो ये जो काम है ना, कोई कहे कि यूं ही आ जाते यूं नहीं आते, और यूं आते तो यूं जाते भी नहीं, ये नहर ऐसे नहीं जाती, ये भेजी गई थी और राम सिंह कसवा की कमजोरी ने भेजी थी, ये बेची गई थी। बिल्कुल सही बात कही है, ये सच्चाई बता रहे, ये उनकी पीड़ा जो दयानंद जी की जो पीड़ा है वो सच्चाई बता रही है कि इस नहर को बेचा गया था, इन लोगों ने आपको बेच के खाया था, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो इसलिए कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा उस समय आपके बीच में दर्द पैदा करेंगे कि ना तेरी कौन चल है फलाने की चल है,